That's the complaint. अस्सलाम वालेकुम, आज आपको मिलवाते हैं ज़ैद अली टी के बड़े भाई फवाज अली से। और इस वीडियो में बहुत सारे इंकशाफात होने वाले हैं कि फवाज की नेचर कैसी है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है। तो उसके लिए हमने चूज़ किया है अमेरिका का ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन, जैपनीज टी गार्डन। हम आपको इसके खूबसूरत व्यूज़ भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ मज़े मज़े की बातें करेंगे फवाज के साथ। तो चले मिलते हैं फवाज अली के साथ। जस्ट एंटर ही हुए हैं तो बहुत अच्छा लगा। सामने सामने ही आबशार है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो पहले फवाज को पार्क लेकर आते थे, आज फवाज मम्मा को पार्क लेकर आए घूमने फिराने। और मम्मा यहाँ पे वीडियो बना रही है। यस, फास को जब मैं पार्क में भेजती थी तब फास वहाँ झूले लेता था स्विंग्स। और मम्मा मैं अच्छा हूँ या बुरा? दोनों। दोनों कैसे? अच्छा खासा बुरा। आज है, आज आप मुझे लेके आए हैं ना पार्क। आपको जब मैं बच्चों की लेके आती थी आप मुझे तंग करते थे पार्क में बहुत। आज मैं भी आपको इस तरह की जोक सुना रही हूँ। और जोक सुनाएं। आपको पसंद आया? लव इट। ओह लव इट, नाइस। मैं देखा गोल मत हो ना, परफेक्ट राउंड इन्होंने किया हुआ। कितनी मेहनत लगी होगी। नो एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ऐसे बन जाओगे, ठीक है? देखो ऐसे बन जाओगे। अच्छा, समझ आ गया। नेक्स्ट जोक। जोक नंबर टू फेल। फेल हो गया ये जोक। जैद जितना बातूनी है फवाज उतना ही क्वाइट और कम बातें करने वाला है, जबकि जैद बहुत सोशल है और फवाज उतना ही अनसोशल। हम फवाज को लेके गए एक दफ़ा हम पार्क में, तो फवाज वहाँ पे रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? फवाज की वहाँ तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा अचानक पार्क के अंदर ही। फिर इसको मैंने जल्दी से उठाया, मैंने बैग में थोड़ी सी मेडिसिन भी रखी थी साथ साथ, और वहाँ पर ही मैंने इसको फिर थोड़ा ट्रीट किया। देखिए मम्मा कितनी केयर करती हैं, वो साथ ही बैग भी साथ रखती हैं, मेडिसिन भी साथ रखती हैं। आप मेरे लिए कोई मेडिसिन लेकर आए हो? ये होते हैं नलायक औलाद। बस कभी माँ बाप की केयर नहीं करनी, कभी केयर नहीं करनी माँ बाप की। कंप्लीट यू आर सो नाइस, यू आर सो लविंग। गार्डन को अगर मैं आउट ऑफ 10 करूँ तो ये है 11, 12, 13 आउट ऑफ 10। छोटा सा प्लांट ही दिखाएं, कितना प्यारा पूरा दरख्त है, लेकिन ये छोटा सा है, इन्होंने उसको डाउन साइजिंग किया हुआ है। और एक ये भी है इसके साथ, जैसे मुझे पता नहीं, आप कमेंट्स में बताएं कि वो जो दरख्तों को छोटा कर देते हैं वो उसकी एज बढ़ती नहीं है। दरख्तों की एज तो बढ़ती है मगर उनका कद नहीं बढ़ता और वो छोटे छोटे रह जाते हैं। देखिए ये सारे साथ साथ ये इस तरह के प्लांट्स हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंस्पायर करती है। और ये देखिए ये फुल ट्री है, अभी ये दिखाएं कितना प्यारा ट्री है। उस साइड से थोड़ा व्यू लेके ना, ये वाला ये फुल ट्री है, लेकिन ये देखिए ये छोटा सा कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। काफी प्लांट्स शायद इकट्ठे भी नहीं रह सकते, तो वो क्या मतलब रखेंगे, लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ? मेबी, मुझे इतना बोटनी का नहीं पता। बोटनी तो आपको ये कैसे पता चल गया कि दो प्लांट इकट्ठे नहीं रहते हैं? ये क्या है? जापानी ट्री। बिल्कुल पक्का 100% खालिस जापानी ट्री है ये। का मेड इन जापान स्टिकर कहाँ है? मैं जानना चाह रहा हूँ जो इन्होंने
वाटर सर्कुलेट यहाँ पे कर रहे हैं या नया फ्रेश पानी यहाँ पे डाल रहे हैं? ये जो फाउंटेन के साथ ही सर्कुलेट कर रहा है ना, एक्चुअली इतना भी नहीं पता आपको, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाना है और ये नहीं पता कि फाउंटेन के थ्रू सारा पानी सर्कुलेट करता है। इतनी साइंस तो मामा को भी पता है। टेक्नोलॉजी सीकर, टेक्नोलॉजी बेटा। Yeah, because it's close. Okay. Thank you. हमारा ट्रिप ये था, हमारा ट्रिप और अब बंद हो चुका है, पार्क बंद होने वाला है और हम निकल रहे हैं पार्क से बाहर। आखिरी लोग आखिरी लोग हैं जो हम इस पार्क से बाहर निकल रहे हैं। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम सुबह से आए हुए थे और हम निकल ही नहीं रहे थे यहाँ से, हम अभी लेट आए थे थोड़ा सा, और चूँकि हम लेट आए थे, आधा घंटा पहले आए थे और उतनी देर में हमसे जैसे प्रॉपर बस इतना विजिट किया गया हमसे और हमने सारा देखा, तो हम लास्ट पीपल थे। आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में बताएं और ये भी बताएं मुझे अपना चैनल स्टार्ट फास्ट को अपना चैनल बनाना चाहिए। नो बिग नो, बहुत बहुत व्लॉगर्स आ गए हैं, बहुत यूट्यूबर हो, बहुत ज़्यादा आ गए हैं, प्लीज और नहीं और नहीं। यहाँ पर इतनी अच्छी स्मेल है। Smells really nice here. स्मेल बहुत अच्छी है यहाँ की, और किस चीज़ की स्मेल है? The garden के बाहर भी। Tea house is here. Oh yeah. जो हम इसका special feature था वो तो भूल गए। Tea house है। Tea house है ये? हर देसी घर में tea house होता है। आप नहीं, ये टी हाउस है, ये टी गार्डन है, जैपनीज गार्डन, जैपनीज गार्डन, तो जैपनीज टी गार्डन ही था, टी गार्डन भी कह सकते। तो ये देख ले, आजकल के बच्चे, मुझे कहा था कि मैं जैपनीज टी गार्डन लेके जा रहा हूँ, जैपनीज गार्डन में लेके आ गया है। बेटा हमने तो आपके साथ ऐसा बचपन में किया था, जिस गार्डन में कहते उसी में लेके जाते थे आपको। मोस्टली लोगों को पता नहीं है, कुछ समझते हैं कि आप हमारे साथ रहते हो, कुछ समझते हैं कि आप पता नहीं कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा क्लियर कर दूँ, बता दूँ कि फाज अमेरिका में रहता है, वहाँ भी जॉब कर रहा है। Yes. और अगर आपको भी गार्डन पसंद आया है, big thumbs up दें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि सारा गार्डन कैसा लगा, फूल पौधे पत्ते सब कुछ कैसा लगा। या और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो वो भी कमेंट करें ताकि मार सके। एंड दैट्स इट एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।